गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में लास्ट लेक्चर में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड कब बनते हैं और पाई बॉन्ड कब बनते हैं। जब ओवरलैपिंग होती है एस एस ऑर्बिटल्स की या एस पी ऑर्बिटल की तो सिग्मा बॉन्ड ही बन पाते हैं। अगर पी पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है तो दोनों बॉन्ड पॉसिबल हैं। अगर पी पी ऑर्बिटल्स लीनियरली ओवरलैप कर रहे हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर पी पी ऑर्बिटल लैटरली ओवरलैप कर रहे हैं, पैरेलल ओवरलैप कर रहे हैं या साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं तो पाई बॉन्ड बनेगा। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये एस ऑर्बिटल है और ये भी एस ऑर्बिटल है, ये ओवरलैपिंग हुई है। कैसे भी हो ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ये ओवरलैपिंग हुई है, ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ये ओवरलैपिंग हुई है। तो ये जो भी एस ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेंगे, एस एस ओवरलैपिंग जो होगी उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही पॉसिबल है। अब देखिए एस और पी ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करते हैं, ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप हुए हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखिए ओवरलैपिंग पॉजिटिव निगेटिव या करेक्ट कब मानी जाएगी, ये करेक्ट ओवरलैपिंग है, ये पी ऑर्बिटल है और हम यहां पे ओवरलैप कराएं एस का, ये रॉन्ग है, ये ओवरलैपिंग रॉन्ग मानी जाएगी। या ये पी ऑर्बिटल है और हम यहां पे ओवरलैप कराएं एस का तो ये भी रॉन्ग मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एस ऑर्बिटल में तो आप कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन पी ऑर्बिटल में ये जो पॉइंट है इधर का साइड, इलेक्ट्रॉन यहीं पे पाए जाते हैं, यहाँ पे यहाँ पे या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पे ही होगी। तो सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है जब एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे या एस पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। अगर दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं बिल्कुल लीनियर तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लीनियर का मतलब दोनों एक ही एक्सिस पे आ जाएं, ये हमने बनाया, ये पी है और ये दूसरा पी है, एक ही एक्सिस पे आ गए हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लीनियरली बोला जाएगा। अगर हम ऐसे ओवरलैपिंग कराएं दो पी ऑर्बिटल की तो ये रॉन्ग है, ये सिग्मा बॉन्ड नहीं माना जाएगा, इस तरह से बॉन्ड नहीं बन पाएगा। एक ही एक्सिस में होना चाहिए, लीनियर ओवरलैपिंग होनी चाहिए। अगर दो पी ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं, बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए, तो ये पाई बॉन्ड बनेंगे। अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, और जब आप फिगर बनाएंगे तो हो सकता है कि आप ये टच ना करा पाए, लेकिन आपको पता है कि ये पैरेलल है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। थोड़ा दूर पे हैं, पैरेलल हैं, तो इसको यूं टच करा दीजिए, ये पाई बॉन्ड होगा, ये दोनों मिला के एक पाई बॉन्ड माना जाएगा, ये साइडवेज पैरेलल ओवरलैपिंग बोली जाएगी। ये हमने वाई एक्सिस पे बनाए हैं दोनों पी ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बनाने के लिए। दूसरा भी बता देते हैं, एक्स एक्सिस पे या जेड एक्सिस पे ऐसे भी पॉसिबल है, ये देखिए इस तरह से होंगे तो भी ये पाई बॉन्ड बोला जाएगा। पाई बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में, और हमने आपको बताया था अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा, वन सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड। इस बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, और कुछ क्वेश्चन मैंने
आपसे पुटअप भी करे थे, आपने उसके आंसर्स भी दिए थे। अब आपको हम कुछ और क्वेश्चन इसी बेसिस पे सॉल्व करा देते हैं। सपोज कीजिए हमने लिया बेंजीन, कल बात चल रही थी बेंजीन की, फार्मूला C6H6। कैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 कार्बन अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस तरह से अटैच होते हैं और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। तो आप क्या देख रहे हैं, 6 सिंगल बॉन्ड तो आपको ये दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सिंगल बॉन्ड ये दिख गए और 6 सिंगल बॉन्ड ये दिख रहे हैं, 3 सिंगल बॉन्ड 1 2 3, 9 सिंगल बॉन्ड हो गए। तो 9 सिंगल के जो 9 सिग्मा हो गए और 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो 3 डबल बॉन्ड्स में 3 सिग्मा और 3 पाई, टोटल हो गए 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड। हाउ मेनी बॉन्ड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, आंसर विल बी 12 सिग्मा एंड 3 पाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन टॉलुइन, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन टॉलुइन। तो टॉलुइन में कैसे हम सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे, पहले हम टॉलुइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, सी 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 एंड दिस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और फिर एक कहीं पे भी बॉन्ड खोल के सी और एच एच एंड एच, दिस इज टॉलुइन और यहां पे हम सिंगल एच 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 एंड एच। टॉलुइन का फार्मूला है C6H5CH3। कैसे काउंट करेंगे, पहले सिंगल बॉन्ड काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, 5 ये हाइड्रोजन वाले हो गए, 3 रिंग के 8 हो गए और ये 4 ये हो गए, 12 सिग्मा तो बन गए। अब 3 डबल बॉन्ड है तो 3 सिग्मा और 3 पाई के हो गए, तो टोटल हो गए 15 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड, 15 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड। नाउ आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन फिनॉल, फिनॉल में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड हैं, फार्मूला हम दे दे रहे हैं C6H5OH। ये आपको करना है स्टूडेंट्स और आपको इसका आंसर हमको भेजना है, ओके स्टूडेंट्स। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन द गिवन ब्लो विच हैज मैक्सिमम एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड्स, ऑप्शन ए C4H8, ऑप्शन बी C4H10, ऑप्शन सी C4H6, ऑप्शन डी C5H12। अब आपको इसको कैसे करना है हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं। सब में आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे उसी में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। तो इस तरह से आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन और सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी एटम्स को दूसरे एटम से कंबाइन कराते हैं, सपोज कीजिए हम कोई एटम ले रहे हैं ऑक्सीजन, वाटर का केस ले लेते हैं, ऑक्सीजन वाटर से कॉम्बिनेशन करने जा रहा है, वाटर के दो एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ऑक्सीजन इसमें सेंटर एटम है, ऑक्सीजन अपने ऑर्बिटल्स को जो डिफरेंट एनर्जीज के होते हैं उनको एडजस्ट करता है, क्योंकि वाटर बनाने के लिए उसके पास दो हाइड्रोजन आएंगे और कॉम्बिनेशन करेंगे, वो कॉम्बिनेशन करेंगे क्योंकि आने वाले दोनों एटम सेम हैं, तो उनको सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन के पास बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, अगर ऑक्सीजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें O8 1s2 2s2 2p4 और इसके ऑर्बिटल बनाएं, तो ये है 1s2 का एक ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन 2s2 इसकी एनर्जी थोड़ा ज्यादा है, और उसके बाद 2p4 इनकी एनर्जी और ज्यादा है। सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जब हाइड्रोजन आएगा ऑक्सीजन के पास तो वो उससे शेयरिंग करेगा, शेयरिंग तब करेगा जब उसको दो इक्वल एनर्जीज के ऑर्बिटल दिखाई देंगे, इनमें सब में सबकी एनर्जी में अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी और ज्यादा, इनमें भी तीनों में बने तो बराबर है लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा एनर्जी में डिफरेंस है। तो जो एटम है वो अपने ऑर्बिटल्स को मैनेज करता है, और ये जो डिफरेंट एनर्जीज के ऑर्बिटल हैं इनको आपस में मिला के सबकी एनर्जी को बराबर करता है, यहां इसकी एनर्जी कम है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो हाइड्रोजन जो आ रहा है, दो हाइड्रोजन आ रहे हैं किसी किसी में, तीन आएंगे, अलग अलग केस होंगे, जितने एटम आएंगे उसके अकॉर्डिंग उसको उतने हाई इक्वल एनर्जीज के ऑर्बिटल चाहिए। तो एटम कॉम्बिनेशन करने से पहले अपने को हाइब्रिड करता है, जिसमें वो अलग अलग एनर्जीज के ऑर्बिटल को अपने ही एटम के ऑर्बिटल्स को जिनकी एनर्जीज अलग अलग हैं मिला करके इक्वल करता है। द फेनोमेना इन विच डिफरेंट एनर्जीज ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम विल फॉर्म सेम एनर्जीज ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। एस की एनर्जी अलग है, पी एक्स की अलग, पी वाई की अलग, पी जेड की अलग, ये तीन ऑर्बिटल बने हैं, तो एस का एक ऑर्बिटल होता है, पी के एक भी हो सकते हैं, पी के दो भी हो सकते हैं, एक मीन्स दो मिलाए जाए, तीन मिलाए जाए। द फेनोमेना इन विच डिफरेंट एनर्जीज ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम, ऑक्सीजन के ही एटम आपस में इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल एंड फॉर्म इक्वल एनर्जीज ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब कौन कौन से ऑर्बिटल मिल सकते हैं, अब हम इसको तो रख कर देते हैं, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास s के ऑर्बिटल होते हैं, s में एक ऑर्बिटल होता है, s में एक ऑर्बिटल है और स्फेरिकल शेप होता है उसका, p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, सबके शेप डंबल शेप होते हैं अलग अलग एक्सिस पे, दिस इज पी एक्स पी वाई एंड दिस इज पी जेड, ऐसे डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डबल डंबल शेप में, डी में 5 ऑर्बिटल्स, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपस में
ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और एनर्जी को बराबर करते हैं। कितने आइटम आ रहे हैं कॉम्बिनेशन करने के लिए, इस बात पर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले एस का तो होना कंपल्सरी है। अगर एक एस का ऑर्बिटल और एक पी का ऑर्बिटल लिया गया तो दो की एनर्जी बराबर होगी और उसको हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। एसपी हाइब्रिडाइजेशन व्हेन वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल इंटरमिक्स, जब एक एस का और एक पी के मिलाएंगे तो टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे, टोटल टू ऑर्बिटल्स बनेंगे। व्हेन वन एस ऑर्बिटल एंड वन पी ऑर्बिटल इंटरमिक्स एंड फॉर्म टू इक्वल एनर्जीज ऑर्बिटल, इट इज कॉल्ड एसपी हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसी के साथ में अगर एक एस का और पी के टू ऑर्बिटल्स, यानी टोटल कितने हो गए, थ्री, और लिखेंगे कैसे, sp2, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है ये ध्यान रखिएगा, sp2 ये नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स विच अंडरगोस द ओवरलैपिंग, इट इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद s का एक और p के तीन ऑर्बिटल्स, व्हेन वन s ऑर्बिटल एंड थ्री p ऑर्बिटल्स ओवरलैप एंड फॉर्म फोर इक्वल एनर्जीज ऑर्बिटल, इट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, sp2 sp3, अब p के तो तीन ही थे खत्म हो गए, तो अब d का यूज होने लगेगा, यानी नेक्स्ट आ जाएगा sp3d। क्या मीनिंग होगा, एस का एक ऑर्बिटल, पी के थ्री ऑर्बिटल्स और डी का वन ऑर्बिटल, टोटल कितने ऑर्बिटल हुए, फाइव ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स, पांच की एनर्जी बराबर करी जाएगी और उस हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट उसी तरह से देखिए जैसे मैंने आपको बताया, एस का एक, पी के दो, पी के तीन और डी का एक, तो आपने बोला sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम एस का एक ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, एस का एक, पी के तीन और डी के दो ऑर्बिटल्स, तो ये हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, टोटल सिक्स ऑर्बिटल्स आएंगे। अभी sp3 sp3d sp3d2, और अगर हम s का एक, p के तीन और d के भी तीन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। मींस हमें डिपेंड करते हैं कि कितने आइटम्स आ रहे हैं जुड़ने के लिए, उसके अकॉर्डिंग ऑर्बिटल को हमें हाइब्रिड करना पड़ता है, सेंट्रल आइटम उनके अकॉर्डिंग हाइब्रिड करता है और फिर उनको जोड़ता है। ये जो ऑर्बिटल की शेप्स बनाए, ये एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल्स, ये अनहाइब्रिड हैं, अभी हाइब्रिड नहीं है, ये अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड एस स्फेरिकल होगा, अनहाइब्रिड पी डंबल होगा, लेकिन जब हम S को P में मिलाएंगे, ये एक S और P के तीन, यानी एक X एक्सिस पे, एक Y एक्सिस पे और एक Z एक्सिस पे, इन हम टोटल चारों ऑर्बिटल को आपस में मिला दें, सबकी एनर्जी अलग अलग है अभी, और मिला दिया सबको हमने, और मिला करके फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, सबको बराबर बराबर एनर्जी दी, वो बोले जाएंगे हाइब्रिड। लेकिन फिर उनके शेप ऐसे नहीं बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल के शेप बिल्कुल अलग होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप एक लूप बड़ा और एक लूप छोटा बनेगा, चाहे किसी भी एक्सिस पे बनाएं, ये हाइब्रिड है, इलेक्ट्रॉन यहां पे बनाए जाएंगे,
इस साइड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये एक्स एक्सिस पे बनाया मैंने, ये अगर वाई एक्सिस पे बनाना चाहे एक लूप बड़ा एक लूप छोटा, इलेक्ट्रॉन यहां पे एक या दो जितने भी हो वो बना लें। हाइब्रिड ऑर्बिटल एक लूप बड़ा एक लूप छोटा बनेगा, चाहे वो एस का हो चाहे पी का हो। और अनहाइब्रिड जैसे है वैसे ही बनेगा, एस का स्फेरिकल और पी के डंबल, एक्स एक्सिस पे डंबल है वाई एक्सिस पे डंबल है या जेड एक्सिस पे डंबल है। एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं करके कि कैसे हम किसी का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। सपोज कीजिए किसी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यानी उसका एक s ऑर्बिटल और p के तीन ऑर्बिटल हाइब्रिड हैं। ये अभी अनहाइब्रिड बना रहे हैं, s और 3p के ऑर्बिटल मिला के sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करना है यानी ये सब मिल करके 4 इक्वल एनर्जीज के ऑर्बिटल बनाएंगे। और हाइब्रिड बनाने का तरीका हमने बताया एक लूप बड़ा और एक लूप छोटा, तो हम ये बनाएंगे एक लूप बड़ा एक लूप छोटा, एक बना दिया। फिर हम दूसरा बनाएंगे एक लूप बड़ा एक लूप छोटा दूसरे एक्सिस पे, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा बनाएंगे एक लूप बड़ा एक लूप छोटा, और फिर हम चौथा बनाएंगे जेड एक्सिस पे एक लूप बड़ा एक लूप छोटा। ये है आपका sp3 हाइब्रिड, ऐसे बनाया जाएगा sp3 हाइब्रिड। अगर आपको sp2 बनाना है sp2, तो यानी कि ये तीन तो हाइब्रिड होंगे, ये वाला अनहाइब्रिड रहेगा, तो sp2 कैसे बनेगा, ये एक लूप बड़ा एक लूप छोटा। sp2 में हमको तीन हाइब्रिड बनाने हैं और एक अनहाइब्रिड, फिर एक लूप बड़ा एक लूप छोटा, फिर एक लूप बड़ा एक लूप छोटा। ये तीन तो हमने हाइब्रिड बना दिए, अब चौथा वाला अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड का मतलब दोनों लूप बड़े, तो हम बनाएंगे दोनों लूप बड़े बनाएंगे, जेड एक्सिस पे बना रहे हैं, एक लूप बड़ा और दूसरा लूप भी बड़ा। This is sp2 hybrid carbon. sp2, sp3 बना दिया, sp2 बना दिया। इसी तरह से आपको sp hybrid बनाना है। स्टूडेंट हमारे समझ से कि आज आपने hybridization सिर्फ सीखा है बेसिक, अभी आपने hybridization फाइंड आउट करना और किसी कंपाउंड का हाइब्रिड स्ट्रक्चर नहीं सीखा, अभी ऑर्बिटल्स के बारे में किस तरह से हम बनाएंगे ये सीखा है। जब आप ये सीख जाएंगे तभी किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन, जैसे क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि CH4 का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाइए या C2H6 का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाइए, तो जब आप ये सीख जाएंगे कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तभी आप उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी भी कंपाउंड के बारे में हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। ओके, गुड बाय।